टेक चैंपियन सपोर्ट, अभी ये यूट्यूब पे इतने ज्यादा छाए हुए हैं दोस्तों, आप लोग इनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने चैनल को एक महीने में इतना ज्यादा ग्रो कर लिया है, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपना चैनल किस तरीके से ग्रो किया और इनके साथ कैसा क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सभी यूट्यूबर्स को मात दे रहे हैं और धीरे धीरे आप देख लेना कि ये सभी यूट्यूबर्स से ऊपर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कौन और इनका नाम क्या है? असली इनका चैनल टेक चैंपियन सपोर्ट नाम से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका जो रियल नेम है वो है अंशु मौर्य। और ये अभी यूट्यूब पर यूट्यूब टिप्स की वीडियो बना रहे हैं और एक महीने में इनका चैनल इतना ज्यादा ग्रो हो गया है, आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके चैनल पे इतने बढ़िया व्यूज आ रहे हैं और इनका चैनल एक ही महीने में इतनी जल्दी रैंक कैसे हुआ? तो दोस्तों, इनके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये है इनका एक पहले एक और चैनल था जिसपे ये मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, उस पर ये टैक वीडियो जैसी बनाते थे, पर ये वहां पे YouTube टिप्स नहीं देते थे जिसकी वजह से इनकी फेस वैल्यू नहीं बन पाई थी। और उस चैनल पे इनके 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, मतलब मैं आपको बता दूं 24 लाख सब्सक्राइबर थे, और वो चैनल इनका YouTube के द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच सकते हैं कि एक चैनल डिलीट होने के बाद दूसरे चैनल पे काम करना कितना मुश्किल का होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक सदमे से उभर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया और सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसकी वजह से इनके लिए लोग जानने लगे, इनकी शक्ल को पहचानने लगे और इनके चैनल पे थोड़ी बहुत लोग आ गए। पर दोस्तों, दूसरे के चैनल से थोड़े बहुत लोग आ सकते हैं, पर हमें अपने दम पे अपना चैनल खड़ा करना होता है, और वो इन्होंने ऐसे किया। मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ा, जैसे कि अभी जो पीयूष जोशी का गेमिंग चैनल चल रहा था, तो इन्होंने पीयूष जोशी गेमिंग चैनल के लिए एक टॉपिक पकड़ा। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी पकड़ बनाई, उस टॉपिक पे इन्हें काफी अच्छे व्यूज मिले। और ये हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़िए, ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो हमेशा वायरल होगी और 100% वायरल होगी। इनका कहना है, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आप हमेशा एक अच्छे यूट्यूबर बनने के लायक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो पीयूष गेमिंग चैनल पे इन्होंने 2-3 वीडियो बनाई थी, इनकी वो सभी वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से इनके पास काफी अच्छे सब्सक्राइबर आ गए। और इन्होंने 1-2 वीडियो और बनाई है, वो भी इनकी वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल। तो फ्रेंड्स, ये दिमाग लगाते हैं कि हमें कौन से कंटेंट पे वीडियो बनानी है और किस तरीके से हमें वीडियो बनानी है। तो आप लोग भी सोच लीजिए कि आपको किस तरीके से वीडियो बनानी है। और दोस्तों, इनसे आप मोटिवेट हो सकते हैं कि जब इनका एक चैनल डिलीट होने के बाद इन्होंने अपने दूसरे चैनल पे काम किया, तो हम लोग तो अपने पहले चैनल पे ही काम कर रहे हैं और हम इतनी अच्छी पकड़ भी नहीं बना पाए, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते इतना मोटिवेट होके? तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये अपने थंबनेल पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप अपने थंबनेल पे फोकस करते हैं तो आपकी वीडियो 100% वायरल होगी, अच्छे खासे व्यूज आएंगे। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो ही बेकार हो जाता है, तो आपकी जो वीडियो है वो अंदर से कोई भी नहीं देखेगा, चाहे अंदर से आपने अपनी वीडियो कितनी भी अच्छे से बनाई हो। और इनकी वीडियो में ना आपको ज्यादा एडिटिंग मिलेगी, ना आपको सब्सक्राइब बटन, ना आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बस सिंपल आपकी वीडियो शुरू हो जाती है और ये कंटेंट अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इनसे थोड़ा मोटिवेट मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।